मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। आज जो भारत के अंदर जो इस समय राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है, जो धर्म को एक हथियार बनाकर समाज में जहर फैलाने की कोशिश की जा रही है, आज शिव सैनिकों ने उस पर अंकुश लगाने के लिए कमर कसी है इस कुप्रथा को लेकर। और जो देश खंड खंड हो रहा है, हमारा देश, उसकी अखंडता को बरकरार करने के लिए हमारे पक्ष प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहब जी ठाकरे के आह्वान से और आदरणीय अनिल देसाई जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं और सांसद हैं, उनके मार्गदर्शन से तमाम शिव सैनिकों ने ये कमर कसी है कि समाज से इस कुप्रथा का अंत करेंगे, इस कुप्रथा पर अंकुश लगाया जाएगा। समाज के अंदर तमाम शिव सैनिक एकता, आपसी एकता, भाईचारे और अखंडता का संदेश देंगे। देखिए, इस समय जरूरत है देश को ऐसे राजनेताओं की जो महंगाई के मुद्दों पर बात करें, जो हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर मंदी छाई हुई है उसके ऊपर बात करें, जो हमारे युवा आज बेरोजगार है उस पर बात करें। तो हम जनता से भी अपील कर रहे हैं कि जो राजनेता इन मुद्दों के ऊपर आपके पास आते हैं उनका स्वागत करें, और दूसरों को पूरे जो मैं तो ये कहूँगा कि जूते मारकर अपने इलाके से, अपने घर से बाहर निकालें, क्योंकि अब हमें ठहरना होगा कि धर्म के ऊपर राजनीति नहीं होगी, धर्म को राजनीति के हथियार पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे, प्रधानमंत्री जी यहाँ के उद्योग के ऊपर, पर्यटन के ऊपर, यहाँ के युवाओं को बेरोजगार के बहुत ज़्यादा यहाँ पर अवसर देकर जाएंगे, घोषणाएँ कर जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी से मेरी ये भी अपील है कि जो महंगाई है, जो अर्थव्यवस्था के अंदर मंदी छाई हुई है, उसको जल्द से जल्द काबू करने के लिए प्रयास किए जाएँ।